काफी इंडियाना जोन्स टाइप वाइब्स आ रही है. एंड आई थिंक आज से पहले जो हमने सिर्फ मूवीज में देखा है, शायद हम लोग आप लोगों को रियल टाइम में वो दिखा सकें. I am feeling pretty excited actually. I thought के थोड़ा डर लगेगा, क्लोस्ट्रोफोबिक सी फीलिंग आएगी, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट. एकदम से जो ये माइंड है वो नीचे आ जाता है सर पे, तो आपको ट्रॉली में बैठे बैठे अपना सर नीचे करना पड़ता है. वो सर नीचे. ओके, आई होप के कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमारी ट्रॉली रुकी. ये इधर लिखा हुआ है 200. आई थिंक ये 200 मीटर्स डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया. 200 फुट डिस्टेंस है. एंड जो कि आई डोंट नो सारा सारा डीप है ये क्या है, लेकिन स्टीप होता जा रहा है. सो ऐसी सिचुएशंस में आइडियली व्हाट यू सपोज्ड टू बी डूइंग इज ट्राई नॉट टू थिंक टू मच अबाउट द सराउंडिंग्स एंड जस्ट ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड as much as you can. So far so good, and we're going down in high spirits. Koi aisa issue nahi hua, even though it is getting steeper and steeper. Hum aur deep ja rahe hain. I think humne 300 foot ka jo fast level cover kar liya is gold mine ke andar. It's an amazing talent ki jis tarah aap ye surang ye mine aap khodte hain all the way down. आपने ये ट्रैक बिछाया है जिस पे ये ट्रॉली 300 फीट और आगे पता नहीं कितने तकरीबन लगभग 700 फीट ये और नीचे जाएगी. और अभी तक ऐसे कोई सफोकेशन फील नहीं हो रही क्योंकि सुनने में आया ये बहुत ज़्यादा नीचे. ओके, सो यू गॉट टू बी केयरफुल एंड दिस मार्क्स 500 फीट all the way down into this coal mine. सर बजा के पत्थर बहुत करीब था, मुझे बहुत ज़्यादा नीचे ट्रॉली के अंदर लेटना पड़ रहा है. This looks like ये अभी freshly ये part बनाया mine का probably. ये जो cement था इस arch पे काफी fresh लग रहा था. सर बचा के पानी गिर रहा ऊपर बारिश हो रही थी अभी बाहर जैसे मैं आप लोगों को बताया, और कुछ जगहों से जो पानी है वो. And I think yes, we are almost there. So literally, मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करूँगा और ये coal mine को मेरा हाथ लगता बस जा रहा है. Wow. और जी हमने तकरीबन 700 feet का सफर इस ट्रॉली के ऊपर coal mine के अंदर तय कर लिया है, और I think यहाँ पर शायद ट्रॉली रुक जाएगी. Oh, पहला कोला नजर आया हमें. कोला. यहाँ पे खड़े हमारे एंड आर राइट एंड ओके जी. सो अजीज साहब जो मैनेजर हैं इधर कोल माइन के वो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे इस कोल माइन के ट्रिप के वो टूर गाइड भी हैं. सो वो हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, हमें एजुकेट करेंगे कि यहाँ पे काम किस तरह किया जाता है, यहाँ के प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं. सो वो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं. सो लेट्स गो.
अच्छा तो अजीज साहब, ये अभी हम कितने फुट नीचे आ चुके हैं? मतलब मुझे लगा है कि शायद 700 फुट है, क्योंकि एंड में मैंने नंबर नहीं देखा क्या था। 760 फुट तकरीबन ये हमारा लेवल हेड है, और ये कि अभी हम प्लेन जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इधर, क्योंकि मुझे अभी कोई खास उस तरह सफोकेशन या सांस लेने में इशू नहीं हो रहा, तो उस हवाले से ये मतलब ये किस तरह पॉसिबल है? ये एक जो इसका गला है वो नहीं चल सकता, ये इसका हवा का सर्कुलेशन होता है, एक इसका हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। तो अभी ये प्रॉपर वेंटिलेशन चल रही है, एक साइड से हवा इन होती है और हाई लेवल से फिर फैल जाती है, जो कि बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आप 700 फीट सबसे जरूरी है वो ये मेन, क्योंकि इसी की वजह से जो है अगर ये ना हो तो ही आपको सफोकेशन की फीलिंग आती है। एंड क्योंकि कोल माइन जो है इन इट्स एसेंस इट इज वन ऑफ कोल माइनिंग, मतलब ट्रॉली आ रही है ये सामने जो दरवाजे होते हैं, तो हम दरवाजा कहते हैं, ये लकड़ी की आर्चिंग होती है, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए होते हैं। पर कुछ छत वगैरह कच्ची हो, वजन करे, तो इसका पता चल जाता है कि लेबर जो है ना वो लकड़ी की आवाज़ करती है, ये कोई पता चल जाता है लेबर को कि यहाँ जो है ना कोई खतरा है, तो वो निकाल सकते हैं। ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सेफ्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और चीज, इफ यू हैवंट बीन टू अ कोल माइन, आपको अपनी जो बैक है और कोर है बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, और मेरे जैसे बंदों को भी हु इज नॉट दैट टॉल, उसको झुक झुक के जो है वो गुजरना पड़ रहा है आगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स कीप मार्चिंग, लेट्स कीप रोलिंग। हम जो जो आगे जाते हैं ना, एक उस तरफ जो गला लगे हुए हैं, ये हम आपस में एक दूसरे के साथ इसका हवा मिलाते हैं। अभी ये बंद है, सो ये वेंट है, इसका सर्कट चल गया है। ओके, गाइस दिस इज वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक हर किसी को ये चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है, वो तो जाए कि मैं डरूं, आई वॉन्ट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग to stay excited and jo adrenaline rush hai isme wo kafi zyada hai, and I'm using that adrenaline rush jo excitement aur jo thrill level hai uski madad se main koshish kar raha hu apne aap ko distract rakhne ki suffocate na ho jaye yahan pe, and rather main isko enjoy karu na ki main daru is experience se। बेसिकली कोल माइनिंग इन इट्स एसेंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माइनिंग कही जाती है, जिस तरह सॉल्ट माइनिंग होती है, कॉपर माइनिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कोल माइनिंग के अंदर हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। बट दैट बींग सेड, आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हर हवाले से, वो इसीलिए दे आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बगैर कोई भी, आप एक छोटा सा भी सेफ्टी मेजर जो है अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। ओके, सो वी स्टिल वॉकिंग, वी स्टिल ऑन फुट, हमने तकरीबन 760 फुट जो है वो ट्रॉली के ऊपर सफर तय किया ऑल द वे डाउन इनटू द कोल माइन, और नीचे आके अब हमने जो है अपना जो हॉरिजॉन्टल सफर है वो हमने ऑन फुट, आई थिंक काफ़ी हमने ट्रेवल कर लिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर होने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी हम कोल माइन के पास नहीं पहुंचे हैं एक्चुअल, जहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रैक बना हुआ है, ये वो ट्रॉली का ट्रैक है, ये ट्रॉली का ट्रैक गुजरता है वहाँ पे जहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, वहाँ से सारा कोल जो है इसके ऊपर लद के तो वापस जाता है ऊपर, एंड ऑन वी गो, कीप मार्चिंग। अभी चूंकि हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस डीप क्लोज टू द कोल माइन तय कर ली है, अब थोड़ा सा जो है वो सांस लेने में, लाइक आई डोंट वांट टू स्केयर द ऑडियंस, आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइस, बट स्टिल पहले से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम उस वक्त प्रॉपर्ली क्लोज थे वेंट के,
अभी हम थोड़ा वेंट से दूर आ गए हैं, आई डोंट नो आगे जाके शायद हम वेंट के करीब अगर आ जाएं तो सांस लेने में थोड़ी और आसानी हो जाए, आई होप सो कि ऐसा थोड़ा जल्दी हो। इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, वी नीड टू बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे चांसेस है बाउंस पे होने के।